नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो 2260 वैकेंसी आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से। पीजीटी के बारे में मैं बात करूंगी, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। पहला, यहाँ पर बिल्कुल जो सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि भाई पेपर में मार्क्स डिवीजन क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो आपने पूछा है इंग्लिश और हिंदी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहा ये इस बार। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कैसे मार्क्स के डिवीजन को अंडरस्टैंड करके पेपर को प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट कंसर्न किस तरीके का है हमारा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस से। आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका पार्ट वन है यहाँ पर, ठीक है, पार्ट वन को बेसिकली हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो रीजनिंग एबिलिटी सिर्फ 20 नंबर की है आपकी, बाकी सारे सेक्शन 10-10 नंबर के हैं। यानी जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 10 नंबर का है, जिसमें से आपको जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। यानी कि आपको पुराने 6 महीने कम से कम, मान लीजिए अगर अक्टूबर में हमारा पेपर हो जाता है तो उसके पुराने 6 महीने तक के हमें करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है बिल्कुल। तो आप अप टू 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको यूज कर सकते हैं। आईसीटी भी यहाँ पर 10 नंबर का, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। फंडामेंटल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और एमएस ऑफिस कीबोर्ड्स कैसे काम करती है। और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल बहुत बेसिक सवालों से जो सिलेबस में नज़र आ रहा है सवाल बनेंगे बिल्कुल। नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग क्या, जैसे सोशल, आपका साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, और मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है। मॉडल्स की यहाँ पर बात हो रही है, टीचिंग एड्स जो हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, और इवेल्युएशन सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका यहाँ पर फॉर्मेटिव और समेटिव और इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। एक्सपेरिमेंटल ये भी आपका 10 नंबर का है। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड, यानी कुछ सिचुएशनल सवाल आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर की। 5 नंबर के बिल्कुल आपसे यहाँ पर एनईपी पूछी जाएगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इसकी बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपसे 20 नंबर की पूछी जाएगी और 20 में से कम आप लोगों को 8 सवालों के राइट ऑप्शन देने पड़ेंगे। यानी कि इंग्लिश में 4 सही करने पड़ेंगे, हिंदी में 4 सही करने पड़ेंगे 10-10 में से, ताकि आपका जो ये ऊपर के जो 5 सेक्शन हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागॉजी, एनईपी, ये सब आपका सही हो पाए। अगर आप 20 नंबर में क्वालिफाइंग नेचर नहीं इसको क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका बाकी का पेपर चेक नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं मार्क्स डिवीजन की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस बिल्कुल मैंने बता दिया कि 10 नंबर की है, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है, आईसीटी 10 की है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 की है, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड है यहाँ पर, और 5-5 नंबर का आपका यहाँ पर एनईपी और पैडागॉजी पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर के 130 नंबर का ये पेपर है। आप यहाँ पर जो आपसे मार्क्स मिलेंगे कुल मिलाकर के 130 में से ही आपको दिए जाएंगे। ये 20 नंबर आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर ये इन्होंने लिखा भी है कि पीजीटी में 1 से 5 तक ये कॉमन है, अगर 6th वाला जो सेक्शन है ये वाला इंग्लिश और हिंदी जो कि आपका 20 नंबर का है, 8 सवाल आपको सही करने हैं कम से कम, तभी आपके ऊपर के जो 5 सेक्शंस हैं ये वाले 1, 2, 3, 4, 5 तभी ये आपके चेक होंगे। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो बिल्कुल 1/4 यानी कि 1.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। तो काफ़ी सोच समझ करके पेपर को जो है आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत इस बार रहेगी। बाकी जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग बुक्स होंगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा। टेलीग्राम पे भी लिंक दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर अप्लाई करने का भी लिंक मैंने दिया है, तो डायरेक्टली आप जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं।